भाजपा के राज में उसको काले धंधे दिखाए, उसने मेरा और गांधी का माइक पकड़ के बोला बोले मैं भाषण दूंगा। जिनके साथ आया होते उनको बोलो रुको काले धंधे से मत रुको। ये सही बोल रहे हैं कि ऋण में कटौती हो रही है, नाबार्ड पैसे नहीं दे रहा। मैं ये बात बताना चाहता हूं इनके माइक से। साथियों कटौती हर जगह हो रही है और उम्मीद ये करें कि साहब हम सवर्ग उतार देंगे, नहीं, सवर्ग उतारने का सपना हम छोड़ नहीं सकते, बेहतरी का सपना हम छोड़ नहीं सकते। हम बेहतरी लाने के लिए प्रयास करें, ये सतत संघर्ष है। हम चाहते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है किसान मजदूर का आ जाए। ये विचार हमारे ख्याल बुरे नहीं है, हम हमारे वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये बदलाव लाना चाहती है, राजपूतियों का न्याय करके सर्वहारा का राज हो, ये सपना लेना कोई गुनाह नहीं। इस सपने के लिए संघर्ष करना और मजबूती से संघर्ष करना, उस संघर्ष में कौन कौन लोग साथ आएंगे वो हमारे साथ ही। साथियों लड़ाई ये नहीं कि मैंने उसको क्या कह दिया, मैंने उसको प्यार से बिठाया नहीं, प्यार से उठाया नहीं, उस सरपंच को राजी नहीं किया, प्रधान ने उस एमएलए को राजी नहीं किया। सवाल ये है ही, सवाल ये कि सबको शिक्षा सबको काम का नारा लेकर के चले 20 साल पहले, उस नारे को आगे कैसे बढ़ाएं, नहरों में पूरे पानी की बात को लेकर के चले, उस नारे को आगे कैसे बढ़ाएं। सवाल ये कि फसल बीमा क्लेम किसान को मिले, उस नारे को मजबूत करे। सवाल ये कि किसान की संपूर्ण कर्ज मुक्ति हो, फसलों के लाभकारी दाम मिले। ये विश्व बीच में नमान ये आ गई, बोले साहब तीन काले कानून ले आए, जिसे पीछे वाली सारी लड़ाई एक साइड है, तीन काले कानूनों के खिलाफ लड़ो। इस लड़ाई को मजबूती से कौन है। साथियों और मानगढ़ जिले की स्थिति हमारे से सामनी नहीं है। साथी मंगेत से इन सब साथियों ने मंच वाले साथियों से कहना चाहू, साथी अमराराम जी भी आए हुए, मुझे जिक्र भी हुई थी शाजापुर बॉर्डर पर, तुरंत हम शुभ किसान मोर्चा की बैठक बुलाएंगे और जिले का एक शुभ किसान मोर्चा गठित करेंगे और जिले में किसान आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और ये शुभ किसान मोर्चा सिर्फ इन तीन काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, ये कोई संस्था नहीं है, ये कोई संगठन नहीं है। शुक्त किसान मोर्चा तीन काले कानूनों के खिलाफ लड़ने के लिए एक मोर्चा है, उस मोर्चे की मोर्चाबंदी और मजबूत होगी और मजबूती से किसानों के साथ लड़ेंगे। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सम्मेलन में आए हुए साथी अमराराम से कहना चाहता हूं कि जब भी जरूरत पड़ी, जब भी हमें मोर्चे ने आवाज लगाई, हमने यहां से नकदी सामग्री की व्यवस्था की है, वो व्यवस्था जारी रखेंगे। क्योंकि अखिल भारतीय किसान सभा ने गांव गांव में संगठन को मजबूत करते हुए फंड कलेक्शन अभियान चलाया है, हमारे यहाँ संगठन के भी लाखों काम है और वहां भी पैसा भेजना होता है, सामग्री भेजनी होती है। और मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कोई गलतफहमी का शिकार बनने की जरूरत नहीं, जनता की लड़ाई जनता के पैसों से चलेगी, जनता के संघर्षों से चलेगी, जनता की लड़ाई किसी एक आदमी की जेब भी संगठन से नहीं चलेगी। मेरी विधायक की तनख्वाह से पार्टी नहीं चल सकती, जनता की मदद से पार्टी चलेगी। हाँ ये बात चाहिए कि हम सब जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के जनता के पक्ष में काम करने का प्रयास तेज किया है। भैया जो परिस्थिति थी इस विधानसभा क्षेत्र में जहां मेजबान जिला सम्मेलन के, यह परिस्थिति अलग हुआ करती थी, वो परिस्थिति यहाँ ऐसी होती थी जिसमें लोगों को एक आदमी से एमएलए से पहले एक आदमी से मिलना होता था, वो उसके सारे कागज तैयार करता था, फिर वो एमएलए साहब से मिलता था, फिर उसकी कोई कार्रवाई आगे बढ़ती थी। अब स्थिति अलग है, हमारा दफ्तर हमारे जनप्रतिनिधि खूब काम लोगों के काम लेकर के आते हैं, हम उनका काम करते हैं, सीधे लोग भी आते हैं हम उनका काम करते हैं, 24 घंटे जनता को उपलब्ध रहते हैं, कभी किसान आंदोलन में, कभी संगठन में, कभी संघर्ष में। हमारे पंचायत समिति के प्रधान, हमारे उप प्रधान, हमारे ब्लॉक मेंबर, हमारे सरपंच साथी, हमारा दफ्तर, दफ्तर में होल टाइमर साथी, दफ्तर में परमानेंट बैठने वाले साथी, वो किसी चार घंटे में लोगों को मिलते हैं, मैं 24 घंटे फोन पर लोगों को उपलब्ध रहता हूँ। ये हमने थोड़ा सा बदलाव करने का, जनप्रतिनिधि तो हमें बदलाव करने का प्रयास किया है, ये प्रयास जारी रखेंगे और मजबूती से करेंगे।
मैं बादरा से आए तमाम जनप्रतिनिधि साथियों से और जिले से आए जनप्रतिनिधि साथियों से कहना चाहता हूं कि ऐसी सिंपलिसिटी और ऐसा व्यवहार आप और मजबूती से आगे बढ़ाओगे, निश्चित तौर से हम यहाँ राजनीतिक ताकत के रूप में आप यहाँ जिले भर के लोग आए हो, आज आपको वादा दे करके भेज रहे हैं कि हम और मजबूती के साथ इस बादरा विधानसभा क्षेत्र से उभरेंगे पूरे जिले में। राम को आश्वस्त करना चाहता हम सब हेर के गांव में किसान सभा की मेंबरशिप और ऐसे भाई का संगठन बढ़ रहा है, पार्टी के लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक लोगों की बात सुनने का हम प्रयास कर रहे हैं और तेजी से प्रयास करें। हाँ ठीक, अनुशासन से भी हम रहना चाहते हैं, अनुशासन से भी रहना चाहते हैं, अनुशासन के बिना नहीं तो लड़ाई लड़ी जाती है। मुझे याद है कामरेड अमराराम शाहजहापुर बॉर्डर में लोगों को रोक रहे थे, लोग धक्के से ट्रैक्टर लेकर के वो बॉर्डर को लांग जाना चाहते थे। इन्होंने अपील की नहीं कि नहीं, जब तक शोक मोर्चा कोई आह्वान नहीं करेगा आप आगे नहीं बढ़ सकते, उसका कैप्टन आदेश करेगा, मोर्चा आदेश करेगा तब आगे बढ़ना। ये डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं होती, कोई नहीं तोड़ सकता। मैं तोड़ूंगा तो मुझे भी दंड मिलेगा, दूसरा को तोड़ेगा तो दूसरे को भी दंड। मैं समझता हूं जो अनुशासन हमने राजनीति में कायम करने की कोशिश की है, हमारे एक एक साथी इसको आगे बढ़ाएंगे। जो साथी लंबे समय संघर्षों में जेलों में रहे हैं, जो साथी जनप्रतिनिधि जीते हैं या फिर जीतने के कगार पर थे, बाई पे बाई मिस्टेक हार भी गए, वही संकल्प के साथ कि हम जनसेवा को आगे बढ़ाएंगे, वो किसान सभा की गांव गांव में मेंबरशिप करें, संगठन मजबूत करें। आप सारे साथी इस हुमस में बैठे हैं, जिला सम्मेलन में आए हुए साथी जो एक कामयाब जिला सम्मेलन हुआ है इसमें आए हो, बादरा में आने पर आपको कोई तकलीफ हुई है तो ये तकलीफ हमें एक पर्ची लिख के भेज देना, अगली बार तकलीफ नहीं होने देंगे। ये दूसरा जिला सम्मेलन था, मैं उम्मीद करता हूँ पिछले से अब की बार बेहतर था, इसी धर्मशाला में था पिछला जिला सम्मेलन भी, अब की बार बेहतर था, अगली बार राज्य सम्मेलन करने की अगर पार्टी हमें इजाजत देगी तो जोरदार बेहतर कार्यक्रम। आप सब साथियों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।